नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और सब कुछ रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को करने से कभी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। क्योंकि जब आपके राहु खराब होते हैं, शनि खराब होते हैं, मंगल दोष युक्त होते हैं, आपकी लाइफ में बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं, शादी ब्याह में तकलीफ आती है, घर में बिना वजह की कलह होती रहती है, आपके व्यक्तित्व पर कलंक लगता है, दाग धब्बा लग जाता है, समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों यारों के बीच में आपकी प्रेस्टीज डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, एक ऐसी चीज, नमक सफाई कामदार का काम करता है। मैंने नमक से जुड़े हुए पहले भी आपको काफी उपाय बताए हैं। जैसे गुरुवार रविवार छोड़ करके आप पोछे के पानी में नमक डालें और नमक वाले पानी से आप घर में पोछा लगाएं। दोस्तों, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहेगी नहीं, धीरे अगर होगी तो भी उसका वास कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। आपके घर के जो अंधेरे कोने हैं या आपके घर के वो हिस्से जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ थोड़ी सी फिटकरी और नमक हमेशा रख करके रखें। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वास नहीं करेगी। जब भी दोस्तों बाहर से आपके साथ या किसी के भी साथ या किसी और ने भेजा हो, उस तरीके से नेगेटिव एनर्जी, भूत पिशाच, जिन आपके घर में आए हुए हैं, तो सबसे पहले बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में ही रहना पसंद करते हैं, या फिर वो जगह जो आपके घर के अंधेरी जगह हो, डार्क प्लेसेस में बाद में, पहले तो बाथरूम में ही इनका वास होता है, फिर घर निकलते हैं, पूरे घर में घूमते हैं, लेकिन बाद घूम फिर करके जाकर के बाथरूम में ही बैठते हैं। तो बाथरूम के अंदर हमेशा टॉयलेट में नमक रखें, एक कटोरी में खड़ा या पिसा हुआ नमक भर करके रखें और हर 10 दिन में 15 दिन में उसको चेंज करते रहें। फिटकरी का टुकड़ा भी हमेशा बाथरूम में रखें। इससे भी नेगेटिव एनर्जीज खत्म होती है, घर से भागती है। तीसरा दोस्तों, जो कूड़े का डिब्बा है, कूड़े के डिब्बे में आप तमाम प्रकार की गंदगी डाल करके रखते हैं, घर की जो भी दरिद्रता है आप उसमें भर देते हैं, वहीं पर नेगेटिव एनर्जी जबरदस्त रूप से वाश करने लग जाती है। जहां पर भी आप कूड़े का डिब्बा रखेंगे, वहां कोई ना कोई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का वाश हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है, नमक के डिब्बे के निचले हिस्से में अंदर की तरफ थोड़ा सा नमक और फिटकरी का टुकड़ा, दोनों चीजों को आप डालें। फिटकरी नहीं मिले जल्दी तो सिर्फ थोड़ा सा नमक भी आप ले सकते हैं पॉलीथीन में, और उसको बांध दें या उसको लॉक कर दें और नमक के डब्बे में डाल दें। बाकी का कचरा रोज आप स्वीपर को देते रहें, लेकिन नमक जो आपने उसमें डाला है उसको एवरीडे वहीं पर पड़ा रहने दें। 7-8 दिन के बाद उस नमक को भी जाने दें और दूसरा नमक रख दें। कूड़े के डिब्बे में यदि आप हमेशा इस चीज को निचले हिस्से में डाल करके रखेंगे, कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वास नहीं करेगी। क्योंकि कूड़े का डब्बा ज्यादातर तो हम बाहर की ही तरफ रखते हैं, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कूड़े का डब्बा हमेशा घर के पिछले हिस्से में रखना चाहिए, कभी दरवाजे के पास ना रखें। लेकिन यदि आपने नमक डाला हुआ है और सामने भी कहीं एक तरफ रखा हुआ है, तो नमक की वजह से इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रह जाता, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में नहीं एंटर होंगी। करते देखिए, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिए। जय श्री कृष्ण।